हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है नेशनल हाईवे 91 पे, जो हमारे गाजियाबाद के लाल कुएं से स्टार्ट होता है और ये दोस्तों जाएगा सीधा अलीगढ़। ये आपको बता दूं दोस्तों कि 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है अब। तो तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो चल रहा है तेज़ी के साथ में, और जो इस रूट को जो कंपनी बना रही है दोस्तों वो है L&T। और आपको बता दूं कि इसमें 80% काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये सारी लेन बना दी है, 3 लेन तक बना दिया, और इसमें साइड में ये देख सकते हो ये रेलिंग भी लगा दी इन्होंने। और रेलिंग लग जाने के बाद में दोस्तों फिर इसमें 1 लेन सर्विस लेन दी जाती है, यानी कि किसानों के लिए, बुग्गी बुग्गी के लिए। तो अभी कंस्ट्रक्शन इस पर चल ही रहा है तेज़ी के साथ में, देख सकते हो यहाँ पर ये मिट्टी पड़ी हुई है साइडों में। तो अभी इस लेन को चौड़ा भी किया जा रहा है दोस्तों, और इस पर अभी रेलिंग भी लगाई जा रही है। तो बीच बीच में तो रेलिंग लग चुकी है, बीच बीच में अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और ये आपको बता दो, सिकंदराबाद का दोस्तों ये टोल प्लाजा आ जाता है। जैसे ही टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद में फिर हम चलेंगे आगे के लिए दोस्तों। तो इस वीडियो में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दादरी से लेकर और आपका बुलंदशहर तक, आप सभी को ये रूट देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, क्या क्या वर्क कंप्लीट हो चुका है, कहाँ कहाँ लैंड मार्किंग हो चुकी है, तो वो सब कुछ आप सभी को इसी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये डाइवर्जन कर रखा है इन्होंने, और यहाँ पर ये आपको बता दूँ ब्लैक टॉप किया जा रहा है दोस्तों राइट हैंड पर, और इस पर 1 लेन तो इन्होंने चौड़ी कर दी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बीच में रखी हुई है ना सेफ्टी बोर्ड, ये सेफ्टी बोर्ड लगा देने के बाद में फिर अंदर डाबर पावर ये किया जा रहा है ब्लैक टॉप का काम तेजी के साथ में दोस्तों। और यहाँ पर दिन रात काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन इस NH91 पे दोस्तों, जो कि हमारा, आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे गाजियाबाद के लाल कुआं से स्टार्ट होता है और ये अलीगढ़ तक बनाया जा रहा है 6 लेन एक्सप्रेस वे, जो कि पहले 4 लेन का हुआ करता था। और जैसा कि आप सभी को बता दूं कि हमारे अलीगढ़ से लेकर और एटा मैनपुरी के बीच में ये 4 लेन का एक्सप्रेस वे है दोस्तों, और गाजियाबाद से और अलीगढ़ के बीच में ये 6 लेन का कर दिया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर NCR में आता है दोस्तों, इस वजह से ये 6 लेन हाईवे किया जा रहा है। और इसमें साइड में रेलिंग भी लगाई जा रही है, और किसानों के लिए, गांव वालों के लिए सर्विस लेन भी दी जा रही है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, देख सकते हो रोड रोलर, ये देख सकते हो अभी यहाँ ना अभी ब्लैक टॉप बिछाने का काम किया गया चल रहा है तेज़ी के साथ में। तो उसी वजह से यहाँ पर देख सकते हो रोड रोलर भी देखने के लिए मिलेगा, कंपनी भी देखो यहाँ पर जो टीम है वो लगी हुई है तेज़ी के साथ में वर्क कर रही है दोस्तों। और जो ब्लैक टॉप बिछाने वाली जो मशीन है दोस्तों वो देख सकते हो ये रही यहाँ पे, जो कि ब्लैक टॉप आगे बिछाती चली जा रही है, पीछे रोड रोलर चलते चले जा रहे हैं। तो यही वर्क चल रहा है दिन रात दोस्तों। और आपको जब ये 4 लेन का एक्सप्रेस वे था तो ये बहुत ज़्यादा इसका रोड ये टूट चुका था, तो टूटने के बाद में पुराना ब्लैक टॉप मशीनों द्वारा उखाड़ा गया है। उखाड़ देने के बाद में अब इस पर नया ब्लैक टॉप किया जा रहा है, देख सकते हो ये डाबर का छिड़काव किया जा रहा है, और फिर उधर वो मशीन जो खड़ी थी आपने देखा था पीछे, वो इस पर ब्लैक टॉप करती हुई आ रही है दोस्तों। और इस पर रोड रोलर चलाया जा रहा है तेज़ी के साथ में, इस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोस्तों। तो आप सभी बता सकते हो कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस KP संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं हर जगह के वीडियोस लाता रहता हूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं दोस्तों। तो आप लोगों को बता दूं कि आने वाले टाइम में ये आपको 6 लेन एक्सप्रेस वे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, एक्सेस कंट्रोल्ड ये हाईवे हो जाएगा नेशनल हाईवे दोस्तों, जो कि गाड़ियाँ बहुत फर्राटा भरा करेंगे दोस्तों। अभी तो जाम जूम का भी सामना करना पड़ता है, और यहाँ पर जो कट भी दे रखे हैं तो वो भी इनको सारा ही काम दूसरे, मतलब कि दोबारा से इसको रिपेयर किया जा रहा है और चौड़ा किया जा रहा है, तो उसी का ही वर्क चल रहा है दिन रात दोस्तों।
और इस पूरे रूट पे एलएनटी वर्क कर रही है, जो कंपनी है वो एलएनटी है दोस्तों। रेलिंग आप लोग देख सकते हो, ये रेलिंग लगा दी है और इस पे अब पेंट का काम किया जा रहा है, तो पेंट भी आप लोगों को टीम करती हुई नज़र आएगी, पेंट कर रही है टीम दोस्तों। तो देख सकते हो ये येलो कलर कर दिया है इन्होंने, और अभी तो इसमें लाइन मार्किंग का भी काम किया जाएगा दोस्तों। देख सकते हो कितना फर्राटेदार ये बनाया गया है, ये नेशनल हाईवे 91 दोस्तों। और नहीं आपको यकीन होता है तो आप लोग ये देख लो, ये डाइवर्जन कर रखा है ना, तो डाइवर्ट ये रोड कर रखी है। और देख सकते हो यहाँ पर ये मशीनें लगी हुई हैं जो कि ब्लैक टॉप कर रही हैं तेज़ी के साथ में दोस्तों। देखो हर जगह, क्योंकि इस पर पहले हल्का वाला ब्लैक टॉप किया था, अब इस पर ओरिजिनल ब्लैक टॉप किया जा रहा है दोस्तों। और इस पर लैंडमार्क का भी काम किया जाएगा, इस पर स्ट्रीट लाइट भी लगाए जाने हैं, तो अभी काफ़ी सारा काम है दोस्तों। रेलिंग भी लगाई जा रही है, सर्विस लेन भी अभी बनाएंगे, तो अभी ये एक लेन बना दी, यानी कि 4 लेन से ये 6 लेन में ये कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, डाइवर्ट कर दिया इन्होंने। तस्वीरें देख सकते हो, तो अभी बहुत सारा काम है अभी इस पर, तो अभी टाइम लग जाएगा दोस्तों, टाइम लगेगा इसे बनने में। जब ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा तब आप लोगों को दिखाएंगे इस पर चलकर क्या कैसा बनाया फर्राटेदार दोस्तों। और आपको बता दूं दोस्तों, जो कि अलीगढ़ से और एटा के बीच में जो बनाया गया वो बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है, लैंड मार्किंग का काम भी हो गया, जहाँ जहाँ जो डिस्पैच बचा हुआ था वो सारा कंप्लीट कर लिया जा चुका है। जो सिकंदरा राव में था वो भी मैंने आप सभी को दिखाया था दोस्तों, उस पर भी काम कर लिया जा चुका है। तो उस पर आपको बता दूँ कि जो रेलवे ब्रिज बनाने का काम था बस वही रह गया था पार्ट, तो वो भी अब बन के कम्प्लीट हो गया है और वो कुछ दिनों में बन जाएगा। लेकिन आप लोग वहाँ के अपडेट देखना चाहते हो दोस्तों, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, तो मैं एक दिन आप लोगों को वहाँ का भी अपडेट दे सकता हूँ दोस्तों, दूंगा जब भी अपडेट, जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कॉमेंट करके बताओगे दोस्तों, लाइक शेयर वीडियो को करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप लोगों को वहाँ का अपडेट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों कि कितना काम वहाँ पर कंप्लीट होने के लिए बचा है। क्योंकि अब वहाँ पर जो रेलवे फाटक है दोस्तों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम जूम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फंसी रहती हैं गाड़ियाँ, जाम लग जाता है, सिकंदरा राव में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है दोस्तों, इसी वजह से वहाँ पर ये ब्रिज बनाया जा रहा है। तो वो आप लोग देखना चाहते हो तो हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। Thank you.
दोस्तों आप सभी को अब दिखाई दे रहा है कि एक लेन इसमें ऐड की गई है, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। और यहाँ पर अभी रेलिंग भी लगाई जानी है और रेलिंग लग जाने के बाद में इस पर अभी सर्विस लेन भी दी जाएगी। तो देख सकते हो ये ब्लैक ब्लैक आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यही एक लेन ऐड करी गई है, इसमें डाइवर्ट की गई है दोस्तों। फोर लेन से सिक्स लेन में डाइवर्ट किया गया है, एक ऐसी ही एक लेन उधर देखने के लिए मिलेगी और इसमें लेफ्ट राइट में दोनों साइड में देखने के लिए मिलेगा। जो आपको राइट साइड का जो रोड है, जब उधर से आएंगे हम अलीगढ़ से गाज़ियाबाद के लिए, तो उधर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि उधर बहुत कम काम देखने के लिए मिलेगा, इस साइड में ज़्यादा मिलेगा लेफ्ट हैंड पर। दोस्तों देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, देखो किस तरीके से ये लेन को ऐड किया गया है दोस्तों, किस तरीके से इन्होंने बनाया है गड्ढे कर करके। और आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा तो आप लोग जाके देख लेना, मैं आप लोगों को या तो आई बटन में लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लेना जाके, वैसे तो चैनल पर पड़ी हुई है दोस्तों। ओके। देखो टू लेन से थ्री लेन में देखो किस तरीके से ये डाइवर्ट किया जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हो, ये अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, एक लेन को और बढ़ाया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, इसी तरीके से आप लोगों को ये कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो इधर तो देखो ये बन चुकी है एक लेन, तो आप लोगों ऐसे ही कंस्ट्रक्शन पूरे रोड पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। देख सकते हो ये सारे वाहन खड़े हुए हैं, नहीं खड़े हुए हैं, तो किस तरीके से लेन को ऐड किया गया है आप लोग तस्वीरें देख सकते हो। देखो आप सभी किस तरीके से ये लेन को ऐड किया जा रहा है, किया गया है दोस्तों। देखो यहाँ पर ये अर्थवर्क का काम किया जा रहा है दोस्तों, अर्थवर्क का काम कर देने के बाद में इसमें रोरी बजरी की अभी लेयर पड़ेगी, उसके बाद में इस पर हल्का वाला ब्लैक टॉप किया जाएगा, फिर उसके बाद में ये मेन ब्लैक टॉप इस पर डाल दिया जाएगा दोस्तों, लेन ऐड की हो जाएगी दोस्तों। तो अभी देख सकते हो अभी टू लेन है और फिर एक लेन ये हो जाएगी, थ्री लेन हो जाएंगे, फिर इसके बाद में रेलिंग लगाई जाएगी और रेलिंग लग जाने के बाद में फिर सर्विस लेन को भी इसमें बनाया जाएगा दोस्तों। तो अभी तो फ़िलहाल इसमें बस इस ये जो मेन लेन है वो अभी बनाई जा रही है। तो इधर ये गांव आ गया, तो यहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा अभी इस टाइम पर, बस गड्ढे गुड्ढे कर दिए हैं, जो कि नीचे से ज़मीन को गड्ढा किया गया, फिर उस पर अर्थवर्क का काम किया जाएगा दोस्तों। तो अभी इधर नहीं हुआ है, जितना जो गांव है वो बचे हुए हैं, अभी देख सकते हो आप लोग तस्वीरों में। देखो किस तरीके से ये लेन को ऐड किया जा रहा है दोस्तों, अर्थवर्क का काम चल रहा है और साइड में देख सकते हो ये ढेर से लगा दिए हैं, मतलब कि इसमें जो कट्टे होते हैं उसमें मिट्टी भर भर के और ये साइडों में लगा दिए, और देख सकते हो ये अर्थवर्क का काम किया जा रहा है लेन को ऐड करने के लिए। दोस्तों टू लेन से थ्री लेन में डाइवर्ट किया जा रहा है, तस्वीर है आप लोग देख सकते हो, देखो किस तरीके से ये लेन को ऐड किया जाता है और किया भी जा रहा है दोस्तों।
तो यही पूरे रूट पर यही देखने के लिए मिलेगा। और सभी को मैं लेकर चलने वाला हूँ दोस्तों बुलंदशहर तक, क्योंकि बुलंदशहर के बाद में फिर आप सभी को नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए हमारे लाल कुआं से और बुलंदशहर के बीच में आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो। कोई भी संत लाता रहता है, आप सभी को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो किस तरीके से इस लाइन को ऐड किया जा रहा है दोस्तों, कैसे इसको टू लाइन से थ्री लाइन में कन्वर्ट किया जा रहा है वो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर ये जेसीबी द्वारा इसमें गड्ढा किया गया है। गड्ढा कर देने के बाद में मिट्टी को लेवल किया जाएगा, फिर इस पर रोड रोलर चलेगा, फिर इस पर अर्थवर्क का काम किया जाएगा, मिट्टी डाली जाएगी, फिर उस पर एक सार कर देने के बाद में दोस्तों फिर उस पर रोड रोलर चलेगा, फिर इस पर रोरी बजरी की दोस्तों लेयर डाली जाएगी, फिर उसके बाद में दोस्तों इस पर हल्का वाला ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद में जो मैन ब्लैक टॉप है वो किया जाएगा दोस्तों। देखो किस तरीके से काम चल रहा है आप सभी देख सकते हो। और देखो ये बुलंदशहर का एरो आ चुका है, अब आगे जाके यहाँ से लेफ्ट में बुलंदशहर के लिए चला जाएगा दोस्तों। तो आप सभी बताना मुझे कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्त। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत गाइस।